छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की बात करेंगे, जहां पर राज्य विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ल ने गरियाबंद अपने नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस के भूपेश बघेल ने जो भी समर्थन मूल्य यानी कि 2640 रुपये से बढ़ाकर 2800 से 3000 तक जा सकता है, साथ ही कर्ज माफी की घोषणा भी अप्रत्याशित फैसला है। निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद आम जनों में व्यापक असर होगा। वो जो भाजपा का जो फरे वो झूठ का ताना वाना है उसको खत्म करना है, और ये जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे वोट लेते हैं, और जो काम हम लोगों ने करा है, जो कांग्रेस सरकार ने जो काम करा है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जैसे समर्थन मूल्य का 2640 का भाव जो है वो अब आगे और बढ़ेगा 2800, फिर उसके बाद और 3000 आगे करके बढ़ाएंगे। कर्जा माफ़ करा है, सबसे लाखों किसान जो हैं इससे राहत पाए हैं। सबसे बड़ी बात 20 क्विंटल धान का जो करा गया है। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिसके आगे ये भाजपा का पास कोई इसका जवाब नहीं है। वो कितनी भी धर्म जाति समाज की बात करें उसमें भी हम लोग बहुत आगे हैं। भूपेश भाई ने बहुत सी चीज़ें करी हैं, उसको विस्तार से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है।